मिराज के द्वारा जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने बताया कि दुकानदार व ग्राहकों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक दुकान पर पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। आगरा व्यापार मंडल ने आज एक पोस्टर स्टीकर का विमोचन आगरा प्लास्टिक एसोसिएशन के सौजन्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके निवास पर किया गया। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री टीएन अग्रवाल ने बताया कि दूसरी लहर से आगरा में कई व्यापारियों ने अपने को खोया है, जो 15 दिनों का तांडव चला। ऑक्सीजन न इंजेक्शन न बेड, जनता में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। अब स्थिति काबू में है, ऐसा ना हो फिर से कोई लापरवाही हो, इसलिए आगरा व्यापार मंडल ने आगरा प्लास्टिक एसोसिएशन के सहयोग से पोस्टर बनवाया, जो शहर के प्रत्येक दुकान पर लगाया जाएगा, जिससे व्यापारी खुद और आने वाले खरीदारों को भी कोरोना से बचाव का पालन करा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री टीएन अग्रवाल व सभी पदाधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जागरूकता लाने के लिए आवश्यक है कि पोस्टर के माध्यम से जनता को सचेत किया जा सके। पोस्टर विमोचन में शहर के प्रमुख व्यापारी, प्रमुख बाजारों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। धन्यवाद आगरा व्यापार मंडल विमोचन में शामिल हुए अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, कन्हैयालाल राठौर, मीडिया प्रभारी जय पुरसनानी, नीतेश अग्रवाल, अतुल बंसल, अशोक मंगवानी, राजेश अग्रवाल, लव पुरसनानी, संतोषी लाल, योगेश रखवानी, किशोर बुधवानी, अखिल मंगवानी, सनी पटेल, ललित गौरवानी, अंकित वर्मा, रमेश गुरवानी, धीरज आदि पदाधिकारी गण उपस्थित हुए। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। और 2 गज की दूरी, इसी से ही हमारा आगे का जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ पाएगा। कारण क्या है कि हमें आपका हम सेफ्टी है तो सब सेफ्टी है। हमें अपने आप को खुद देखना है कि हमारे पड़ोस में या कोई भी, उसका ध्यान रखना हमें पूरा पड़ेगा। दूसरा, पोस्टर के पोस्टर के माध्यम से हम लोग ये करना चाहते हैं कि मेन जो है ना, वैक्सीनेशन और भीड़ कहीं नहीं लगाएं। मेन जो वैक्सीनेशन और भीड़ कहीं नहीं लगाएं, इसकी वजह से जो आगे परेशानी आएंगी उसको हम लोग फिर झेलने में बहुत परेशानी होगी। जनपद का आगरा व्यापार मंडल एसोसिएशन का सभी पदाधिकारी हमारे पास आया था। इन लोग जो व्यापार मंडल ने एक अपील किया है, सभी दुकान में इन लोग लगेंगे, वो जो कोरोना का संक्रमित हो रहा है इसी का जनता का जागरूकता करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए, वह जब भी उन लोग बाज़ार में आएंगे जनता, उसका खासतौर से 100% ध्यान रखेंगे, 2 गज दूरी पर रहेंगे, कोरोना से बच के रहेंगे, इसका अपील करते हुए इन लोग एक अच्छी तरीके का एक पोस्टर पैम्पलेट जो प्रचार करने के लिए किया है। इसके लिए मैं सभी व्यापार मंडल का सभी पदाधिकारी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभारी रहूँगा। और ये सभी लोग, इसे सभी जनता, हर आदमी अपने खुद एक जागरूकता रहेंगे और दूसरा का जागरूकता भी करेंगे, इसी में हम लोग इस कोरोना का महामारी से हम लोग बच के रह सकते हैं। इसके लिए पुनः मैं आगरा व्यापार मंडल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये पोस्टर के माध्यम से हमारे आदरणीय SSP स्वामीनिराज जी के द्वारा ये पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम जो आगरा व्यापार मंडल और प्लास्टिक एसोसिएशन के सहयोग तत्वावधान में किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह व्यापारी भी आज के समय में फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह काम कर रहा है। जो जरूरी आवश्यक चीज़ें हैं उसका आपूर्ति हेतु व्यापारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी दुकानों पर बैठा हुआ है। तो इस पोस्टर के माध्यम से व्यापारी और ग्राहक को, दोनों को ये संदेश है कि वे इन जरूरी बातों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, प्रॉपर हाथ धोना है, इस तरह की सभी वैक्सीनेशन है, इस तरह की सभी चीज़ों का पालन करते हुए क्या कहते हैं, अपनी कोरोना में सुरक्षा करें, क्योंकि ये बीमारी इस बार अलग रूप में आई है और आगे जो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेरिएंट भी आने की उम्मीद है, तो उसको लेकर जागरूकता रखें। आज एक बहुत ही अच्छी बात है कि प्लास्टिक एसोसिएशन की तरफ से और आगरा व्यापार मंडल के सौजन्य से सराफा कमेटी और जितने भी आगरा की जितनी भी एसोसिएशन उनकी तरफ से एक पोस्टर का विमोचन आदरणीय मुनिराज जी SSP के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये जागरूकता है कि एक जो हम सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क नहीं लगाना है, फेस मास्क लगाना है, सीट्स लगानी है, या कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके जो अभाव है, ऐसा नहीं है कि आदमी उसको करना नहीं चाहता, लेकिन जो अभाव है उसकी पूर्ण जानकारी आगरा व्यापार मंडल, जो हमेशा व्यापारियों के हित के लिए और समाज के हित के लिए जो अगले कार्य करता रहता, उसी संदर्भ में आज जो है पोस्टर विमोचन जो है आदरणीय मुनिराज जी SSP के द्वारा किया जा रहा है, जिससे हम जो है एक जागरूकता फैलाएं समाज के अंदर, जिससे आदमी जो है, हम आदमी को जितना हम हेल्प कर सकते हैं, जितना हम उसके लिए कार्य कर सकते हैं, कि जिससे जो है वो अपने को भी सुरक्षित रखे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे और जग को भी सुरक्षित रखे, यही हमारा जो है आज का उद्देश्य है। किस तरह से आज पोस्टर विमोचन किया? ऐसा है, अभी कोरोना की बंदी चल रही है, मैं समझता हूँ 24 मई या उसके आगे तक
इसके बाद बाज़ार खुलने की जो तैयारियां होंगी उसमें ये सोचा जा रहा है कि एक स्लोगन दिया जाए व्यापारियों को, मास्क जरूरी, मास्क जरूरी। इसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग हो, बार बार हाथ धोएं, ग्राहक से दूरी बना के चलें, अपनी सेफ्टी तो व्यापार की सेफ्टी। उसलिए SSP हमारे अभी नए आए हैं, हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी सब लोग आए हैं, तो उसके स्लोगन का जो एक पैम्पलेट है उसका उद्घाटन आज कराया जा रहा है और ये विभिन्न बाज़ार कमेटियों के माध्यम से बाज़ारों में लगाया जाएगा। इस बात के लिए कि आप सुरक्षित तो व्यापार सुरक्षित, व्यापारी सुरक्षित, ग्राहक सुरक्षित, उस तरह का कार्यक्रम है। क्योंकि व्यापार मंडल बराबर आपको पता है कि पहले भी उन्होंने कोविड में सारी योजनाएँ थी और इस भी है, हमारा मोतीगंज व्यापार समिति खुल गया है, किराना कमेटी खुल गया है, मुझे मालूम है कि दोनों ट्रेड किस तरह से खुलवाए हैं, पैकेजिंग किस तरह से खुलवाए, व्यापारी खोलने को तैयार नहीं है। इस समय ये महामारी और पहली में इसमें अंतर है, ये महामारी जान पर आई हुई है, पहली महामारी बीमारी थी ये, इसलिए इन व्यापारियों ने जो हमारे व्यापारियों ने जो अपने बाज़ार खोले हैं इस शर्त के साथ खोले हैं कि पुलिस प्रोटेक्शन बिल्कुल मिलेगा। SSP महोदय, SP सिटी महोदय, DM साहब के निवास पर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम पूरी सहयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। आपने गंज में जाकर देखा होगा बिल्कुल साफ सफैया सारा, इसी तरह रावतपाड़े में उस दिन जरा अफरा तफरी मची, हमारे कप्तान साहब पहुंच गए, 3 घंटे तक वहाँ रहे और PSC भी रही। तो इस तरह व्यापारियों के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से व्यापारियों को संदेश देना चाहूँगा, बाज़ार जिस समय खुले भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, ग्राहक के मास्क लगा होना चाहिए, हम भी मास्क लगा।